नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे। खबर देख रहे हैं माहौल से। जी आपको बता दें, जहां चांद तहसील के मैकडॉन में एक विवादित मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम परिवार के मकान पर अवैध अतिक्रमण का जो नोटिस है वो जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें, ये नोटिस हिंदूवादी संगठनों द्वारा जारी करवाया गया है, जिससे पूरे गाँव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। अवैध अतिक्रमण का नोटिस केवल, सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम परिवार के मकान को ही टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदूवादी संगठन प्रशासन इस मकान को ध्वस्त करने के लिए दबाव बना रहे हैं। और इस पूरे मामले में सबसे पहले हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से साहिल खान, जो कि स्टेट हेड है मध्य प्रदेश के, उनसे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। साहिल, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है, हम विस्तार से हमें बताइए सबसे पहले। जी मैम, मामला मैम चांद तहसील के अंतर्गत जो सिंगाड़ा जिला है वहाँ का मामला है, ग्राम लालगांव एंड मैकडोन का। वहाँ पे अवैध अतिक्रमण की नोटिस हिंदूवादी संगठन के द्वारा एक ही मुस्लिम परिवार के घर में चिपकाया गया था, बट मीडिया ने इस चीज की संपूर्ण जानकारी इकट्ठा किया तो उस मकान का पट्टा के साथ साथ पीएम आवास की जो योजनाएं होती है उसके तहत मकान बनाया गया है। मतलब सीधी सी बात है मैडम कि मतलब कि हिंदूवादी संगठन ने जो नोटिस चिपकाया गया ये तो सरासर झूठी निकली। जी झूठी निकली, कहने का मतलब है। साहिल, के ये मामला मतलब कितने समय से चल रहा था, हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इसमें खबर में हमने ये देखा कि सोशल मीडिया द्वारा कुछ अफवाहें भी उड़ाई जा रही। पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे आप संक्षिप्त में? मैडम ये दो दोस्तों का मामला है, दो दोस्तों के बीच में विवाद हो गया और विवाद के चलते में कुछ ऐसी सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया गया था, ये संपूर्ण मामला उसी के तहत में है। तो जिसके द्वारा तो मुस्लिम परिवार के जो बेटे के द्वारा जो कृत किया गया था, तो इसकी सजा तो उसको जेल, मतलब जेल भेज दिया गया, प्रशासन के द्वारा उसको जेल भेज दिया गया है। ठीक है जी। तो ये जो सोशल मीडिया पर खबर वायरल की है, ये जैसे कि बताया कि ये मुस्लिम परिवार का बच्चा था, लड़का था, या हिंदू परिवार का था, क्या था साहिल? ये लड़का मुस्लिम परिवार का था मैडम, और दोनों आपसी दोस्त लोग थे, मतलब दोस्त के बीच में एक विवाद हो गया, तो इस चलते में ये विवाद ने इतना तूल पकड़ा था जिससे हिंदूवादी संगठन इन्वॉल्व हो गया। जब इन्वॉल्व हुआ तो मतलब उसी मकान को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जी प्रशासन के ऊपर, बिल्कुल। अब हमें विस्तार से ये मामला समझ में आया, हमारी जनता को भी समझ में आया होगा। मैं जानना चाहूंगी कि इसमें खबर देख रहे हैं कि मुस्लिम परिवार एक समुदाय, जहां समुदाय सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, मगर मुस्लिम परिवार को ही टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है पीएम आवास योजना के तहत उनका मकान बना हुआ है, तो इस मामले में क्या कुछ जानकारी है आपके पास साहिल? मैडम मैकडोन की बात करें तो मतलब उस कॉलोनी, जो मैकडोन की जो कॉलोनी है, उस मतलब दिशा की बात करें तो वहां से 15 से 20 मकान ऑलरेडी और भी हैं, तो उनके घर में तो ऐसी कोई नोटिस नहीं जारी की गई, हालांकि वो भी सरकार की योजना के तहत बनी, मतलब बनी हुई थी। जी जी। तो बस ये मतलब बताया, मतलब ये मालूम ये चला कि मतलब ऑलरेडी सिर्फ मुस्लिम परिवार को ही टारगेट किया जा रहा है। जी मुस्लिम परिवार का क्या कहना है, उनके पास पूरे कागजात हैं साहिल, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि उनके मकान को ही टारगेट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और मुस्लिम परिवार जो है प्रशासन से निष्पक्ष न्याय की मांग भी कर रहे हैं, तो क्या उनके पास कागजात हैं, या वो कोई अवैध निर्माण पर रह रहे हैं, उनका कहना है, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो ये गलत है। मुस्लिम परिवार का मैडम संदेश यही है, वो तो शासन से निवेदन भी कर रहे हैं, प्रशासन से मतलब निष्पक्ष की कार्रवाई कर रहे हैं। यदि हम मतलब जो जगह है वो सरकार ने ही उनको आवंटित किया है, बोले तो पट्टा उनको दिया है, पीएम आवास से उनको लाभान्वित किया है, तो इसके बावजूद भी मतलब प्रशासन तो सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन जो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मतलब हिंदूवादी संगठन का जो दबाव है वो इस ओर है कि मतलब उनके मकान को ध्वस्त करवाया जाए। तो मुस्लिम परिवार ने निवेदन किया है प्रशासन से, जिला प्रशासन से, कि उनके और भी मतलब निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और उनका मकान को नहीं तोड़ा जाए। जी बिल्कुल, देखिए दबाव एक तरफ है, एकजुटता एक तरफ है, पर गलत और सही अलग चीज है। कानूनी अधिकार सबके होते हैं, भले वो हिंदू समुदाय है या मुस्लिम समुदाय हो या किसी भी जाति और धर्म का है, क्योंकि हमारे भारत में हम रहते हैं, यहाँ एकजुटता ही हमारी जो है ताकत है। फिलहाल अगर मैं इस खबर पर वापस आऊं तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि उन्होंने बोला कि सरकारी योजना के तहत ही उनको मकान मिला था, इसका पट्टा मिला था, तो और जैसे कि आप बता रहे हैं कि हिंदू संगठन द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है, पर देखा जाए तो कानून से ऊपर तो कोई है नहीं। अगर उनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स है तो उनको वहां से हटाया जा नहीं सकता है। इसमें जानना चाहूंगी, बिल्कुल सरकारी अधिकारियों का और प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है साहिल? प्रशासनिक
प्रशासनिक अधिकारी का कहना मैडम ये है कि मतलब अभी निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है, हालांकि मतलब किसी तरीके से ऐसे अवैध डॉक्यूमेंट्स प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल से हैं, पट्टे मतलब जो होता है जो सरकार देती है एक गरीब मतलब गरीब समुदाय को, उसके तहत में उनको पट्टा भी दिया गया है। जी पट्टा भी दिया गया है। साहिल बिल्कुल जिस तरीके से आपने इस पूरे खबर पर हमें जानकारी दी है और जिस तरीके से आपने हमें विजुअल्स प्रोवाइड कराए हैं जिसमें मैं देख पा रही हूँ कि प्रमाण पत्र करके और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक के बाद एक जो हम विजुअल में देख पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी साहिल कि हर खबरों की तरह इस खबर पर भी जो आप अपडेट है हम तक समय पर जरूर पहुंचाए इस पूरे मामले में। स्थानीय लोगों से भी हमने जानकारी लिया था, तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना था कि मतलब जिसने सजा किया है, जिसने कृत किया है, हालांकि कानून तो उसको सजा दे ही रही है, लेकिन इस परिवार का क्या कसूर है। और भी कुछ हमारे हिंदू भाई जुड़े थे वहाँ पे, उन्होंने भी जानकारी दिया है कि मतलब इस परिवार का ऐसा कोई दोष नहीं है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने पहले ही बताया कि कोई अभी तक देखा जाए तो अवैध डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए हैं, कोई अपोजिट चीज अभी तक जो मुस्लिम परिवार है उनकी उनकी तरफ से सामने नहीं आई है, सारी चीजें वैध भी पाई गई और इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो भी जो है लगातार जारी। इसीलिए साहिल आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा और समय समय पे हमें अपडेट फिलहाल जरूर दीजिएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए साहिल आप